ये नज़ारा है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का, जिसे वैश्विक स्तर का बेहतरीन शहर बनाने की बात तो कही जाती है, मगर असल में सच्चाई तो भारी बारिश ने खोल कर रख दी है और सियासी राजनेताओं की बड़ी बड़ी बातें और वादे इस बारिश में बह रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली में बारिश ने इस कदर प्रलय मचाई है कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है और सरकार सिर्फ हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी हुई है। बता दें आपको, उत्तरी दिल्ली के मलकागंज इलाके में लोगों के घरों में पानी भर गया। यही नहीं, घर के अंदर रखे सारे सामान जलमग्न होते हुए नजर आए। सुनिए लोगों की दर्द भरी दास्तां। कोई सुन के राजी ने मर जाए, कुछ हो जाए, किसी को कोई धंधा नहीं है। ये तो करंट ओवर फैल गया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मर जाए, कुछ में भी है। किसी को दर्द नहीं है। हम लोग क्या करें, हम किसके सारे जिए, कोई डिपार्टमेंट नहीं, सब डिपार्टमेंट मरे हुए डिपार्टमेंट है। किसी के पास चले जाओ, हर एक के पास बहानेबाजी के सिवा कुछ नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है जी, कोई सुनने वाला नहीं है। ये नहीं पता देश की राजधानी है क्या है, ये कपड़े बह रहे हैं, सारा खाना नहीं खाया कल से, ना शेव कर पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, कुछ नहीं है। इतना दिल्ली जैसे शहर में, मेन दिल्ली के कैपिटल में ये हालत है। तो वही सुनिए निशा नाम की लड़की ने किस तरह दिल्ली के प्रशासन व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मेरा नाम निशा है और पूरे मलकागंज का इतना बुरा हाल है, दो दिन से कुछ कह नहीं सकते। इतनी कंप्लेंट्स करी, मेयर आते देख के जाते, कमिश्नर को फ़ोन, कोई एक्शन ही नहीं है इसके। पूरी एन ब्लॉक ऐसे भरी हुई है, दो दिन हो गए ना बच्चों ने खाना खाया है, जो पानी निकाल निकाल के इतना थक चुके हैं और कोई एक्शन नहीं है इसके खिलाफ। घर के अंदर पानी है बहुत ज़्यादा और इतना थक चुके हैं, कोई एक्शन नहीं। मेयर आते हैं, डीसी आते हैं, देख लिया, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। हाँ आए थे यहाँ पे, हाँ सब आए थे, सब देख के जाते, कोई एक्शन नहीं है। बहुत वहाँ पे हम देख के आए हैं, कल और आज में कोई नहीं आया। 10 दिन पहले आते हैं, हाँ भाई कर देंगे, कुछ नहीं होता। तो सुना आपने देश का दिल किस तरह बारिश में तार तार हो रहा है। खैर देखते हैं कब तक सरकार की नींदें खुलती हैं। SPN9 न्यूज रूम से गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।